हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। इन लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर्स से डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस भी मिलती हैं जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रेस कर सकते हैं, और इनके लिए आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्सेज आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड जिनमें सारे सिलेबस को कवर किया जाता है, और आपकी जो एक्सेस रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, मतलब आप सभी कोर्सेज और सभी एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आपके जो भी पसंदीदा एजुकेटर्स हों आप उनसे क्लासेज ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी कोर्सेज बने हुए हैं और काफ़ी कोर्सेज रनिंग में भी रहते हैं। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, कुछ ऑप्शनल कोर्सेज हैं। इसके अलावा और दूसरे काफ़ी टॉपिक्स जैसे एथिक्स, एसे, इंटरव्यू, सीसेट, ये सब भी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट माने जाते हैं 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स वाले प्लान, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 1 साल या 2 साल के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा रेफरल कोड विष्णु, VISHNU। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये 12 मंथ्स वाला प्लान है 44,000 रुपीज़ का। अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ 39,600 रुपीज़ पे करने रहेंगे। इसी तरह से जो 24 मंथ्स वाला प्लान है उसकी प्राइस है 64,000, और अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ पे करने रहेंगे। आप एक बात ध्यान रखिए कि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप मेरे कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे, आप सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोड तो सिर्फ 8% डिस्काउंट। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ विष्णु अग्रवाल। मैंने 19 ईयर्स की एज में ही CA कम्प्लीट कर लिया था। मैं 2 टाइम्स UPSC CSE इंटरव्यू में भी अपीयर हो चुका हूँ। प्रीलिम्स में मैंने 140 प्लस का स्कोर किया है, एंड 2016 UPSC मेंस में मैंने 837 का स्कोर किया था। मुझे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 4 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले। हम इनके बर्थ और अर्ली लाइफ पर नजर डालते हैं। इनका जन्म 1866 में हुआ था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, तो यह वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लोकमान्य तिलक का भी जन्म हुआ था। वो एक पुअर फैमिली से आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फैमिली ने उनके एजुकेशन के इंतजाम कर लिए थे, लेकिन उनकी एजुकेशन उनको सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस दिलाने के लिए दी गई थी ताकि वो पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी लग सके। लेकिन जब वो एजुकेशन लेने गए तो हुआ बिल्कुल उल्टा। जब वो नए नए आइडियाज़ जैसे लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इन सब को जब उन्होंने देखा, समझा, तो उन्हें लगा कि ये सब आइडियाज़ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। वो जॉन स्टुअर्ट मिल और एडमंड बुर्के से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी एजुकेशन पे हम नज़र डालें तो अर्ली एजुकेशन राजाराम हाई स्कूल कोल्हापुर में हुई थी। इसके अलावा ग्रेजुएशन उनकी एल्फिनस्टोन कॉलेज बॉम्बे में हुई थी, जहाँ पर तिलक की भी ग्रेजुएशन हुई थी, एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू कम्प्लीट द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होने के बाद वो प्रोफेसर बन गए और उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर हितवाद भी निकाला था। अगर हम देखें तो लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों का कैरियर या बैकग्राउंड करीब सिमिलर सा था, जैसे दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट से थे, सेम स्टेट से थे, दोनों चित्तपावन ब्राह्मण थे, दोनों एल्फिनस्टोन कॉलेज से ग्रेजुएशन लेकर आए थे, दोनों ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेसर्स बने, दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन की, वो भी करीब करीब सेम टाइम पर, और दोनों नेशनलिस्ट थे जो चाहते थे हमारी कंट्री के लोगों की कंडीशंस इम्प्रूव हो। रानाडे एज ए मेंटर ऑफ गोखले, तो रानाडे गोखले के एक गुरु थे। गोखले पहली बार रानाडे से पूना में मिले थे, जहां पर पूना सार्वजनिक सभा में दोनों ने साथ में काम किया था। इसके अलावा गोखले ने जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी 1905 में, उसमें भी रानाडे ने उनकी मदद की थी। इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। एक क्वार्टरली जर्नल सार्वजनिक भी दोनों ने साथ मिलकर लॉन्च की थी, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे थे।
करियर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महादेव गोविंद रानाडे। ज्वाइन करने के बाद गोखले आयरलैंड गए और वहां पर अपने एफर्ट से आयरिश नेशनलिस्ट अल्फ्रेड वेब को इंडिया बुलाया और उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया 1894 में। 1895 में तिलक और गोखले दोनों एक साथ कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे। 1897 में एक वो मोमेंट आया जहां पर गोखले को बहुत ज्यादा प्रेज मिली, बहुत ज्यादा वो लाइमलाइट में आए थे जब उन्होंने वेलबाई कमीशन के सामने ब्रिटिश सरकार की पोल खोली थी और कहा था कि जो कॉलोनियल एक्सपेंडिचर है वो वहां की जनता के भले के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं किए जा रहे हैं। इन 1905 वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये वो टाइम था जब वो अपनी पावर में पीक पर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। गोखले एक मॉडरेट लीडर थे। मॉडरेट लीडर का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या लीगल मीन्स में भरोसा करते हों, जैसे पेटिशन, मेमोरेंडा, स्पीचेस, पब्लिक मीटिंग्स, प्रेस कैंपेन्स एटसेट्रा। उनका मानना था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएट किया जाएगा तो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। अब हम गोखले, तिलक और सूरत स्प्लिट इस टॉपिक को भी देखते हैं डिटेल में। तो हमने देखा गोखले और तिलक दोनों का बैकग्राउंड करीब करीब सिमिलर था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जो सबसे बड़ा डिफरेंस पहली बार देखने को आया वो था एज ऑफ कंसेंट बिल को लेकर। इस बिल में चाइल्ड मैरिज को कम किया गया था और जो एज थी उसको 10-12 किया गया था, मतलब मिनिमम एज ऑफ मैरिज को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल किया गया था। तो गोखले इसके सपोर्ट में थे क्योंकि वो हमारी सोसाइटी से चाइल्ड लेबर को मिटाना चाहते थे और उनको ये लगा कि इससे हिंदुइज्म में भी रिफॉर्म आएंगे। लेकिन तिलक इस बिल के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, इसलिए नहीं कि वो चाइल्ड मैरिज करवाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनको ब्रिटिश इंटरफेरेंस पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि ऐसे रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंट इंडिया में आने चाहिए, कोई बाहर की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे रिफॉर्म्स ना लेकर आए। इसके अलावा दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट और देखा गया, वो था पूना सार्वजनिक सभा की लीडरशिप या उसके कंट्रोल को लेकर। इसमें तिलक की जीत हुई, इसलिए फिर गोखले ने एक नई सभा डेकन सभा की स्थापना की। मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, इस डिबेट को हमने लोकमान्य तिलक की बायोग्राफी में डिटेल में देखा है, तो यहाँ पर हम इसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि गोखले एक मॉडरेट लीडर थे, लेकिन तिलक रेडिकल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इसको लेकर दोनों में कई बार खींचातानी भी होती थी। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनका नतीजा था सूरत स्प्लिट इन 1907, जिसको हमने लोकमान्य तिलक की बायोग्राफी में डिटेल में देखा है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, हालांकि मॉडरेट के लीडर थे गोखले और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे तिलक, लेकिन इन दोनों में कभी भी आपस में मन मुटाव नहीं था। दोनों एक दूसरे की काफी रेस्पेक्ट करते थे और दोनों नहीं चाहते थे कि सूरत स्प्लिट हो, लेकिन उनके अनुयायी या उनके जो एसोसिएट थे वो जो 1907 का सूरत सेशन था उसमें मारपीट पर उतर आए, माहौल काफी टेंशन का हो गया था, इसलिए ये भी कुछ नहीं कर सके और अंत में सूरत स्प्लिट हो गया। एक इंसिडेंस है जो बताता है कि जब तिलक पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की सूरत सेशन में, तो वहां पर गोखले ने उनका बचाव किया था। गोखले इस सूरत स्प्लिट के बाद चाहते थे कि फिर से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ जाए, वो फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को यूनाइट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एनी बेसेंट की एडवाइस भी ली थी, मदद भी ली थी, और जब वो मरने वाले थे तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस यूनाइटेड हो जाए। गोखले की डेथ के बाद तिलक ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था अपनी न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने गोखले को ट्रिब्यूट पे की थी। वर्किंग इन काउंसिल्स, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने काउंसिल्स में रहकर क्या काम किया उसके बारे में हम देखते हैं। तो बिटवीन 1899 to 1902 ही वाज मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गोपाल कृष्ण गोखले पहले प्रोविंशियल या स्टेट लेवल काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन 1902 में उनका प्रमोशन हुआ और वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। उनका सबसे पहला कंसर्न था सोशल रिफॉर्म्स लेकर आना, इसलिए उन्होंने काफी मुद्दों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद भी की, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट भी किया, जैसा कि एज ऑफ कंसेंट बिल के दौरान देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि गोखले ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे,
इवन उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसीज के लिए काफ़ी बार ओपनली क्रिटिसाइज भी किया था, और बजट को लेकर उनके जो स्पीच थे वो बहुत शानदार हुआ करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट को सरप्लस बजट के लिए कई बार लताड़ा भी था कि एक अच्छी गवर्नमेंट, एक एफिशिएंट गवर्नमेंट कभी भी सरप्लस बजट नहीं रखती। सरप्लस बजट का मतलब है आप सोशल जस्टिस को एंश्योर करने में फेल हो चुके हो, आपके पास जो भी इनकम है, जो भी पैसा है, उसे आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा उन्होंने साल्ट टैक्स या फिर कॉटन गुड्स पे जो टैक्स था उसको भी कम करने पर जोर दिया, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने पर जोर दिया, और इंडियंस का सिविल सर्विसेज में नंबर्स बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज का इंडिजिनाइजेशन हो, इस पर भी उन्होंने फोकस किया। मोले मिंटो रिफॉर्म्स, मिंटो मोले रिफॉर्म्स 1909 में भी वो इंस्ट्रूमेंटल थे, तो 1909 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे उनको फ्रेम करने में भी वो इंस्ट्रूमेंटल थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसको गोपाल कृष्ण गोखले ने एस्टेब्लिश किया था, कब, जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उस समय वो अपनी पॉलिटिकल पावर की हाइट पर थे। और इस सोसाइटी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सपांशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रेजेंट या कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का स्टेटस था उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाई जो यूथ को एक अच्छी एजुकेशन और एक नई एजुकेशन दे सके। तो उनका मानना था कि अगर इंडिया में ट्रू पॉलिटिकल चेंज लेकर आना है तो इंडियन यूथ को नई एजुकेशन देनी होगी। इस नई एजुकेशन में सिविल एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी से यूथ को अवगत कराया जाएगा, और जो प्रेजेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ये कैपेसिटी नहीं है। जो इस सर्वेंट्स सोसाइटी थी, इसने स्कूल्स बनाई, नाइट्स में फ्री क्लासेस ली और मोबाइल लाइब्रेरी भी चलाई जहां पर इम्पोर्टेंट बुक्स लोगों को बांटी जाती थी। हालांकि गोखले की डेथ के बाद यह सोसाइटी कमज़ोर पड़ गई, लेकिन ये आज भी जिंदा है और लो लेवल पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। मेंटर टू गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के मेंटर थे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। इवन खुद गांधी जी ने उनको अपना पॉलिटिकल गुरु स्वीकारा है। वो गांधी जी से पहली बार साउथ अफ्रीका में मिले थे। उन्होंने गांधी जी को कई मुद्दों पर सहायता भी दी थी, सपोर्ट भी किया था, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी पोल टैक्स के दौरान गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसमें उन्होंने गांधी जी का मोरल बूस्ट किया था। नताल इंडेंचर्ड लेबर बिल के समय पर उन्होंने गांधी जी की मदद की थी इस बिल को स्ट्रक्चर करवाने में, और गांधी जी के लिए उन्होंने कई बार मनी भी रेज करवाई ताकि वो साउथ अफ्रीका में अपने कैंपेन्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। गांधी जी को इंडिया का फ्रीडम नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए और कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए भी पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बुलाया था। और जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो इंडिया की कंडीशन क्या है ये सब गोखले जी ने ही गांधी जी को बताई थी। सो ही रिसीव्ड पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम गोखले इंक्लूडिंग ए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड द इश्यूज कन्फ्रंटिंग कॉमन इंडियंस। तो कॉमन इंडियंस के क्या इश्यूज हैं, इंडिया की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये सब गोखले जी ने ही गांधी जी को दी थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने गोखले जी को अपना मेंटर और गाइड भी स्वीकार किया था। उन्होंने यहाँ तक भी लिखा कि गोखले जी एक एडमायरेबल लीडर थे। ही वॉज प्योर एज क्रिस्टल, जेंटल एज द लैम्ब, ब्रेव एज ए लॉयन एंड शिवलरस एज टू ए फोल्ट एंड मोस्ट परफेक्ट मैन इन द पॉलिटिकल फील्ड। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी ने कभी भी गोखले जी के जो मॉडरेट मीन्स थे उनमें भरोसा नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ट्रू नेचर है वो हमेशा एक्सप्लोटेशन का ही है, तो वो कभी भी किसी भी कंट्री में इंडिपेंडेंस लेकर नहीं आ सकते, इसलिए मॉडरेट मीन्स की एक लिमिटेशन है। वो गोखले की जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी उसके भी मेंबर नहीं बने। डेथ एंड लिगेसी, तो अंत में चलते चलते हम गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ और उनकी लिगेसी पर भी नज़र डालते हैं। उनकी डेथ हुई थी फेब्रवरी 1915 में, तो वो करीब 49-50 ईयर्स तक जिए थे। अपने हार्ड वर्क और डिवोशन के थ्रू उन्होंने इंडिया की काफ़ी सर्विस की और इंडिया के लोगों को काफ़ी मुद्दों पर अवगत कराया। उन्होंने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों तरह के रिफॉर्म्स पर जोर दिया। उनके जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का आइडिया था वो आज RTE के रूप में इम्प्लीमेंट हुआ है।
तो काउंसिल में कई बार गोखले जी ने ये मुद्दा उठाया था कि प्राइमरी एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए, जो अंत में जाकर आईटी के थ्रू इम्प्लीमेंट हो पाई। इसके अलावा गोखले जी काफ़ी लीडर्स के लिए इंस्पायरेशन थे, जिसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना ये भी इन्वॉल्व थे। मोहम्मद जिन्ना का तो एक बार यह भी कहना था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से गोखले काफ़ी इंस्पिरेशनल थे। हालांकि उनकी कम उम्र में ही डेथ हो गई थी, वरना आने वाले 10 to 20 ईयर्स में वो हमारी कंट्री के लिए और ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ यूज दिस कोड टू अवेल द 10% डिस्काउंट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक UPSC CSE विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू।